और वेलकम वेलकम टू द विजन सीएसएस नेटवर्क। आप यहाँ पे विजन में सॉरी हमारी स्टूडेंट्स, आप सबने अपने आप को म्यूट रखना है। जस्ट व्हेन यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन क्लास, सिर्फ आप तब अनम्यूट करें। सबा, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्टार्ट नाउ। और मैं विजय जो नेटवर्क है, एकेडमी है, मैं उनके आपके टीचर भी हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पे खुद भी स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ और अब मैं इनके फैकल्टी मेंबर के भी रह चुकी हूँ। आपकी भी स्टूडेंट जो है वो देखा जाता है कि हम देखते हैं कि यहाँ के रिजल्ट्स क्या जा रहे हैं, क्या फीडबैक है, हमें किस लेवल के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो हमें टीच कर रहे हैं और हमें वो किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी से जो है वो स्टूडेंट को डील करेंगे। मतलब यहाँ पे जिस लेवल पे हम देखते हैं, हम यहाँ पे डिग्री को कंसीडर नहीं करते कि यहाँ पे किस लेवल का स्टूडेंट जो है वो हमारे पास आया है। हम उस लेवल पे जाके बल्कि हम उनको स्टार्ट से जो है वो हम उनको पढ़ाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम अपना कैंपस की लाइफ भी चला रहे हैं, ऑनलाइन ऑन सेशन भी चला रहे हैं। कोविड की वजह से अब हमारा ऑन कैंपस काम चल रहा है, स्टार्ट हुआ है दोबारा से, लेकिन उसमें हम आपको इन्वायरमेंट शो करवा रहे हैं कि किस तरीके से हर एक जो टीचर्स है वो किस तरीके से एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में वो आपको एक जो आपका गिवन टॉपिक है, जो आपका लेक्चर है, वो किस तरीके से डिलीवर करते हैं। और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, सर सैयद अवैस गिलानी है, जो आपके साथ नेक्स्ट में फर्दर डील करेंगी। इसके अलावा हमारे कुछ ऐसे जो टीचर्स हैं, जो तमाम टीचर्स जितने भी आपको डील करेंगे, सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब पे हैं, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। तो हम जो हमारे इंग्लिश आपको टीच करेंगे वो सर सैयद जमान करेंगे और सर जैनुल आबिदीन है जो AR डायरेक्टर भी हैं। वो आपको फर्दर जो है, जो हर टीचर है वो अपना अपना खुद इंट्रोडक्शन आपको देंगे। इसी तरह आगे स्टूडेंट फीडबैक्स भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं, हमारे CSS के बैजेस में भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। लास्ट हमारे जो है टॉपर भी हमारे जो है इंस्टीट्यूट से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ही वो जो सीट है वो हमने ही अचीव की है। इसी तरह हम आगे जो है हमारे ये हमारे जो है हम सिर्फ कोविड के ड्यूरेशन में अगर हम ऑनलाइन में हम देखें तो हमारे 130 अबव जो है वो स्टूडेंट जो है CSS को भी क्लियर कर चुके हैं। इसके साथ साथ ही हम FPSC, PPSC और वन पेपर की ऑल गवर्नमेंट जॉब्स की जो है वो उसकी भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। सर काइंडली स्लाइड चेंज कर दीजिएगा। तो उसमें हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं, फेसबुक ग्रुप्स बनाए जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपके जो है तमाम कोऑर्डिनेट आपके टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं, आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो भी होती हैं। आपने जो भी बात करनी होती है आप डायरेक्टली उस मतलब ग्रुप में जो है वो बात कर सकते हैं, अपने टीचर्स के साथ कंसर्न कर सकते हैं और आपको वो गाइड कर सकते हैं इजीली। वो जैसे ही उनको मिलेगा टाइम वो आपको फौरी तौर पर उसको आपको रिप्लाई करेंगे। और साथ ही साथ आपको डेली के डेली जो है लेक्चर आपकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। साथ आपको इसके अलावा आपका जो आपका डेली के नोट्स हैं वो भी आपको सॉफ्ट कॉपी में भी प्रोवाइड हो सकते हैं, हार्ड कॉपी में भी मिल सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको आप कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करके आप उसको ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट कॉपी में जो है ये बिल्कुल फ्री नोट्स हैं और आपको जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट फर्दर जो है हम सर काइंडली स्लाइड चेंज कीजिएगा। नेक्स्ट फर्दर जो है मैं आपको फैकल्टी मेंबर्स का जैसे ऑलरेडी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर चुकी हूँ कि एक डायरेक्टर जो है वो हमारे सर सैयद अवैस गिलानी है। फर्दर वो अपना इंट्रोडक्शन वो आपको खुद भी आगे देंगे। आगे सर सैयद सर जैनुल आबिदीन है, सर जमान है, सर सर जमील है, सर अब्दुल कदूस हैं। इसी तरह बहुत सारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं और सारे हाईली क्वालिफाइड PMS मेंटोर कर रहे हैं, वो तमाम जो टीचर्स जो आपको टीच करेंगे। बेसिकली आज का जो हमारा ये सेमिनार कंडक्ट किया गया है वो FBR, FI, IB पुलिस, PPSC, FPSC एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब्स है वन पेपर पेपिंग के लिए। और उसमें हम एक स्टूडेंट को इस तरीके से प्रिपेयर करवाते हैं कि उसकी जो जो हर्ड उसको आ रही है, एक
एग्जाम्पल या एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट हम उठाते हैं, कोई सा भी हम ले लेते हैं जिसमें आपको समझ नहीं आ रही. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ही सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे बात करती हूँ, जैसे मैं आपको इंशाल्लाह ताला उर्दू टीच करूंगी, तो उर्दू में मैं आपको देखते हैं कि अगर आपको जो हम ए पेपर का तो तकरीबन हमारा काम इजिली हम कर लेते हैं, हमारा जो ये होता है उसमें मैंने आपको कीनली जो ग्रामर पोर्शन होते हैं, जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो इजी टू कंसेप्ट नहीं होते, जो आपने नहीं उसका आपको इतने अच्छे कंसेप्ट क्लियर होते, वो भी आपको सारे के सारे क्लियर करवाए देंगे. इसी तरह मैथ्स, इस्लामियत, इंग्लिश और फर्दर जितने भी आपके सब्जेक्ट आएंगे, वो स्टार्ट से लेकर बेसिक लेवल से लेकर आपको उस लेवल पर पहुंचाया जाएगा कि आप वन पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश, मतलब उसमें पूरे जो है आपको उसमें कामयाब हो सके. ड्यूरेशन जो है ये हमारा 40 डेज के होंगे. क्लासेस जो है हमारी इंशाल्लाह ताला 9 अगस्त से स्टार्ट हो रही है. बैच वन जो है ये हमारा 4 to 5 PM है और बैच टू जो है वो 9 to 10 में है. जिस बैच में आप इनरोलमेंट करवाना चाहते हैं, जिसमें चाहते हैं, उसमें आप कोऑर्डिनेटर से कॉन्टेक्ट करके आप उसमें अपनी इनरोलमेंट करवा लें और उसी बैच में आपको जो है उसी ग्रुप में आपको सब कुछ डिलीवर हुआ जाएगा. और फर्दर आगे जी आ रही है आपके सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जिसको सब्जेक्ट्स को हमने किस तरीके से ब्रेकअप किया है कि आपके किस तरह से हमने पोर्शंस बना दिए. अब पोर्शंस में हमने इंग्लिश का रखा है, इंग्लिश में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच रखी है, ग्रामर रखी है, नरेशंस रखी है, टेंसेस रखी है. ये हमारी वो चीजें हैं जो हमारी बेसिक इंग्लिश को मजबूत करती है. इसी तरह हम मैथमेटिक्स को देखते हैं तो जनरल मैथ्स को लेकर हम जो है बेसिक मैथ्स से लेकर जनरल मैथ पूरा जाते हैं, ताकि हमें उसमें जो रेशियो नंबर्स है, नंबर सिस्टम है, न्यूमेरिकल सिस्टम है, ये तमाम चीजें जो है ये हमें उसमें पार्क अफेयर्स में उसमें हम वो पाको हिंद से लेकर जो हमारी करंट तक जो हमारी हिस्ट्री जाएगी वो है. वर्ल्ड अफेयर में भी, पाकिस्तान स्टडीज में और कंप्यूटर साइंस में. कंप्यूटर साइंस और ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो जनरल साइंस, टेंसेस, मैथ्स वगैरह, ये वो है जो कंटिन्यूसली जो है ये हमारी स्टार्ट से लेकर अब तक वो ही चल रहे हैं. लेकिन जो हमारी है ना करंट अफेयर्स वगैरह, उनमें हम ये कि आज जो न्यू अपडेट है उसको भी हम उसमें ऐड करते रहते हैं एट द पैसेज ऑफ टाइम. इसी तरह आगे उर्दू का भी सब्जेक्ट आएगा, हर पार्ट के थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन होगा, थोड़े थोड़े से मार्क्स को ब्रोक किया हुआ है और उस तरह ही हम आपको वो उसी मुताबिक जो है हम आपको टीच करेंगे. नोट्स भी इंशाल्लाह प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप उसमें पूछ सकते हैं. सो फर्दर जो है आपको पेपर्स की डिटेल के लिए मैं इन्वाइट करती हूँ सर को, सर वैस को काइंडली. तो जी थैंक यू सर, थैंक यू एंड वेरी गुड फॉर टुडेज डिस्कशन. माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह आपने तमाम चीज़ों को एलैबोरेट किया. एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सैयद अवैस केलानी एंड आई एम डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन. तो आप सब लोगों का यहाँ पे बारी बारी इंट्रोडक्शन लेना तो मुश्किल है, बट जस्ट आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. बिफोर स्टार्टिंग दिस इंस्टीट्यूशन आई डिड माई ग्रेजुएशन इन ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स फ्राम जी सी यूनिवर्सिटी लाहौर. आफ्टर दैट माई एम फिल वॉज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. And currently, I am also enrolled in PhD Public Policy from Asian University of Malaysia. Besides this, I have around 7 to 8 years of serving experience on various government, national, and international projects. My first assignment was with United Nations at Africa, Ghana. And my last assignment was with Government of Punjab State Bank project that was under FBR and PND department. So today's discussion is all about गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम. जिस तरह के हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 300 स्टूडेंट जो उनसे वो लास्ट ईयर अपेयर हुए हैं इस ऑनलाइन सेशंस के थ्रू जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में अपेयर हुए हैं, और अराउंड 100+ स्टूडेंट वो हैं जो हमारे एलोकेट हुए हैं. तो आपकी जितनी भी फैकल्टी जिनका आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे सभा ने बहुत अच्छी तरह से करवाया, जो हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हैं, खुद भी गवर्नमेंट जॉब पे एम्प्लॉयड हैं, टीचर हैं, और उसके साथ साथ अब हमारे पास भी एज एन उर्दू फैकल्टी मेम्बर एंड जो हमारी इस सेमिनार की कोऑर्डिनेटर थी उसके जॉन से थी ड्यूटी अंजाम दे रही थी. तो कम टूवर्ड्स द मेन पॉइंट, जो हमारी आज का मोड ऑफ डिस्कशन है, आर टूडेज डिस्कशन इज अबाउट वन पेपर एग्जाम स्पेसिफिकली टारगेटिंग FIA एंड FBR. एंड अदर देन दिस आर दिस डिस्कशन विल कवर ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम सिलेबस. देखें, आज से 10-12 साल पहले वी आर ऑल्सो सिटिंग एट योर प्लेस वन वी आर सराउंडिंग हेयर एंड देयर टू सी हाउ वी कैन अचीव दिस एग्जाम, टू मीट डिफरेंट मेंटर्स, टू मीट डिफरेंट एग्जाम टॉपर्स, टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. एंड व्हाट एक्चुअली एट द एंड वी डिराइव इज
that one thing is nothing. If you want to achieve this exam, there are three basic necessities that you must fulfill if you want to achieve your this target of, you can say, getting government job through this one paper MCQ exam. First is right approach. Second is right data. And third is right mentorship. Okay? Right mentor, John Simo is a corner. Her subject ka mentor ek right ring. यहाँ आपके साथ आज के डिस्कशन में भी वो लोग मौजूद हैं, जस्ट लाइक आपके साथ मेरे बाद सर जैनुल आबिदीन, जो खुद इस टाइम असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी लाहौर में पोस्टेड है, इससे पहले एफबीआर में भी सर्व किया, एफआईए का भी उनका एग्जाम क्लियर है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर का, और तकरीबन 6 साल से आफ्टर पीएमएस से वो असिस्टेंट डायरेक्टर में रहे, एसएनजीडीएल में भी रहे हैं, उनके साथ भी आपके डिस्कशन होगी। जैन साहब माशाल्लाह, हम लोग तो इस जो अभी प्रेजेंट जो दौड़ है उससे आउट हो चुके हैं, बट जैन साहब जॉन से अभी भी अपनी एज की लास्ट लिमिट को टच करते हुए भी एग्जाम दे रहे हैं और अराउंड 50+ एग्जाम वो क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो एक चीज जो हमने निचोड़ निकाला इसका, जो मैं भी आपसे आज डिस्कशन कर रहा हूँ, जो हमारी आज से 10-12 साल पहले एफर्ट थी, उसके बाद जब हमने आपके सारे फेजिस से गुजरे, फिर सर्विस मिले 8-10 साल की सर्विस के बाद, आज आपको ये बात कर रहे हैं कि देर आर थ्री बेसिक इंग्रेडिएंट्स। वन इज राइट मेंटोरशिप, योर मेंटोर can't be only one that is right. देखें, आपका जो वन पेपर की गैलेक्सी है, इसमें जो टोटल सब्जेक्ट है वो आपके 8 से 9 है। If we are specifically talking about FBR and FIA, जो present सबसे ज्यादा हॉट जॉब है, जिसमें सबसे ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, मैं एक बात आपको बता दूं बच्चे, ये एग्जाम 100 नंबर का नहीं होगा। देर इज नो डाउट इन इट कि आपका ये एग्जाम 100 मार्क्स के MCQs पे डिपेंडेंट होगा। यू विल बी गिवन 3 hours, बट जो फैसला कुल लम्हात होंगे वो अपर 10 मार्क्स के होंगे। नो मैटर यू गॉट 75 मार्क्स और यू गॉट 0 मार्क्स, ऑल आर इक्वल इफ योर एलोकेशन इज इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल एलोकेशन को पॉसिबल बनाने के लिए व्हाट यू नीड इज यू शुड बी इन अ टॉप मोस्ट कैडर। आपको जब इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है बेटा, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि जितनी सीट है मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 5 कैंडिडेट पर सीट इंटरव्यू में कॉल करने, वो 5 कैंडिडेट टॉप कौन से हैं, एग्जामिनर को इससे कोई गर्ज नहीं कि आप मेडिकल डॉक्टर हैं, कोई गर्ज नहीं आप इंजीनियर हैं, कोई गर्ज नहीं आपने PhD की है, सिंपल ग्रेजुएशन की है। जो वहां पे काउंट करना है वो ये करना है कि इस 100 नंबर के इम्तिहान में आप टॉप 50, टॉप 100 की स्लॉट में फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब उस टॉप 100 की स्लॉट के लिए जो हमें सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, उनमें फर्स्ट सब्जेक्ट, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि इस जार्गन में, इस अम्ब्रेला में, इन गैलेक्सी ऑफ दिस वन पेपर एग्जाम, देर आर टोटल 9 सब्जेक्ट जिनके ऊपर हमारी स्पेशलाइजेशन है। बच्चा सबसे पहली मार कहाँ खाता है, मटेरियल आउटडेटेड मार्केट से डोगर की किताब खरीदेगा, एडवांस की खरीदेगा, और इस तरह आउटडेटेड पब्लिशर है उनकी किताबें खरीद लेगा। अब वो किताबों में डेटा एक तो बहुत ज्यादा दिया होगा, जस्ट कि आप उसे पढ़ नहीं सकते, कोई भी शख्स एक साल में भी वो किताब खत्म नहीं कर सकता, इट्स डैम श्योर। ठीक है, आप इंग्लिश के पार्ट को उठाएंगे तो हो सकता है कि आप टेंसेस पढ़ पढ़ के एक महीने में थक जाएं, आपके लिए बाकी पार्ट की हमें जरूरत नहीं है। हो सकता है आप मैथ को उठाएं तो आप बेसिक मैथ्स को प्रैक्टिस ही ना कर पाएं क्योंकि वो तो किताब नहीं है। अगेन कुछ चीजें ऐसी हैं, जस्ट लाइक मैं हमेशा कहता हूँ, मैथ्स एंड एसे राइटिंग इज एन आर्ट, और आर्ट प्रैक्टिस से आता है, आर्ट आपको कभी भी रट्टा लगाने से नहीं आता। सो जरूरी क्या है, जिसको मैंने पहले कहा कि राइट मेंटोरशिप। सो व्हाट इज राइट मेंटोरशिप इन दिस रनिंग ऑफ अचीविंग योर ड्रीम जॉब एंड ड्रीम टारगेट? That right mentorship is basically a three-dimensional approach. In your mentor, there should be exam toppers. In your mentor, there should be seasoned government officer such as जिनका खुद experience हो कि paper में क्या दिया जाता है, क्या पूछा जाता है, और third वो लोग जो subject specialist हो। देखे, no doubt कि मैं service में रहा हूँ, ठीक है, no doubt कि मेरा economics background रहा है, मैं PhD कर रहा हूँ, लेकिन जो maths है ये मैं अच्छी नहीं पढ़ा सकता। To be very clear, ये आपको जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है वो पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश जो जिसका बैकग्राउंड इंग्लिश का है, या जिस तरह सभा है जो उर्दू को देख रही है, ये सब्जेक्ट वो पढ़ा सकते हैं। हम लोग जो गवर्नमेंट सर्विस में रहे, डिफरेंट अचीवमेंट्स रही हमारे, डिफरेंट हमने जो कुछ भी किया, हमारे पास जो सब्जेक्ट आते हैं वो रनिंग सब्जेक्ट है जो शायद आपके स्पेशलिस्ट जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है वो भी नहीं पढ़ा सकते। वो आते हैं पाक अफेयर, वर्ल्ड अफेयर, इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इस्लामिक स्टडी, कंप्यूटर साइंस, बिकॉज दी सब्जेक्ट आर टू मच वास्ट सब्जेक्ट। ठीक है, और होता क्या है कि एग्जामिनर इसमें से, अब करंट अफेयर मेरा सब्जेक्ट है जो मैं आपको टीच करता हूँ, 95% स्टूडेंट्स को उसका सिलेबस ही पता नहीं लगता। ठीक है, व्हेन वी वर सिटिंग एट योर प्लेस हमें भी नहीं पता था,
फिर हम एग्जाम सेटर्स को मिले, पेपर चेकर्स को मिले, डिफरेंट लोगों के रिव्यूज इकट्ठे किए, फिर खुद इस सर्विस में आए, खुद देखा कि पेपर बनाया कैसे जाता है। एग्जामिनर को कोई ना कोई टारगेट तो दिया जाता है कि आपने पेपर बनाना है, तो आपने इन इन चीजों को टच करना है। अब लाइक से करंट अफेयर, करंट अफेयर का अगर 15 मार्क्स या 20 मार्क्स की आपकी डिवीजन है, तो एग्जामिनर विल डिवाइड दिस डिवीजन इनटू बेसिक पार्ट्स, दैट विल बी योर नेशनल अफेयर, रीजनल अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर। एंड इफ यू वांट टू अचीव दिस 10 टू 15 मार्क्स, व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट नॉट हैव टू फोकस ऑन नेशनल अफेयर। आपको सिर्फ ये ना पता हो कि आज अगर 5 अगस्त है तो 5 अगस्त को क्या हुआ था, बट देर आर मैनी थिंग्स बिसाइड दिस दैट यू शुड नो। यू मस्ट नो अबाउट योर रीजनल अफेयर, यू मस्ट नो यू अबाउट इंटरनेशनल अफेयर। तो ये चीजें जब तक नहीं होंगी तो आपका एक सब्जेक्ट भी पूरा नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए जो हमने स्ट्रेटजी ऑप्ट की है, जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स के ये रिस्पॉन्स है जो आपके सामने है, मैं अगर आपको दिखाऊं अभी तो ये मैं जरा स्लाइड्स को पीछे मूव करूंगा, कि हमारे स्टूडेंट्स पेपर दे के जब आते हैं तो वो बाय नेम ये कहते हैं कि सर आपने हमें ये क्वेश्चन बताए, हमारे पेपर में ये है, ये देखें आपके सामने मौजूद है। क्योंकि अभी व्हाट्सएप ग्रुप भी खोलते हैं जो हमारे पिछले साल से स्टूडेंट्स चल रहे हैं, क्योंकि अब हमने ऑनलाइन को भी कंटिन्यू रखा है, ऑन कैंपस भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है, जस्ट बिकॉज हम ऑनलाइन से आप सबको फैसिलिटेट करना चाहते हैं। वी ऑल अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल ऑन वेरियस डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, और हमें को मतलब ऐसा सच ये नहीं है कि जस्ट वी आर रनिंग दिस इंस्टीट्यूशन फॉर आर फाइनेंशियल बेनिफिट। अल्हम्दुलिल्लाह वी वॉन्ट टू सर्व आर नेशन, वी वॉन्ट कि जो हमें एफर्ट करनी पड़ी, जो हमें जिसे कहते हैं धक्के खाने पड़े, वो आप लोगों को ना खाने पड़े। उसके लिए जो हमारी स्ट्रेटजी है, बिफोर स्टार्टिंग दिस इंस्टीट्यूशन, बिफोर स्टार्टिंग ऑनलाइन सेशन, आई एम माय सेल्फ वर्क फॉर 6 मंथ, जिसमें आपके लिए सारा डाटा कलेक्ट किया गया, आपके कोर्स को डिजाइन किया गया, और उसके बाद वी आर चूइंग द थिंग्स फॉर यू एंड वी आर गिविंग यू इन सच अ वे दैट कि जो आप 2 साल फेल होने के बाद भी एक्सपीरियंस ना सीख सके, हम फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आपको वो सिखाते हैं। और उसका रिजल्ट फिर ये आता है जो आपके सामने है। स्टूडेंट जब पेपर में बैठते हैं वो खुद हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं, बाद में अपने ग्रुप्स में बताते हैं कि बिल्कुल जो हमें पढ़ाया गया वही पेपर में आ रहा है। तो इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है, अगेन वही बात, कि वी एट दिस इंस्टीट्यूशन वी आर नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग यू सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, वी आर नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग यू मेंटर्स, वी ऑल आर ऑल यू कैन से ऑल सीजन फैकल्टी जो इसी प्रोसेस से गुजर के यहाँ पहुंची है। वी आर कंटिन्यूसली स्कैनिंग योर पेपर, वी आर कंटिन्यूसली ट्रेसिंग द ट्रेंड्स ऑफ एग्जाम सेटिंग टेक्निक्स, के एग्जामिनर क्या कर रहा है, पेपर कहाँ से दे रहा है, किस तरह क्वेश्चन ला रहा है, और हम करेंगे क्या यहाँ पे। आप हमारे साथ इंशाल्लाह अजीज इन नेक्स्ट 1.5 मंथ हम आपके उस एफर्ट को रिड्यूस कर देंगे और टारगेटेड वे में वही चीजें आपको देंगे कि आप जिनको तैयार करें और इस एग्जाम को अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए सवाल ये आता है क्या रिक्वायर्ड है। वी रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड जस्ट योर मोटिवेशन एंड हार्ड वर्क। जो चीज आपको दी जाए आपने वो कवर करना है। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू डाटा कंप्लीट अप टू डेटेड, आपको लास्ट मंथ तक के जो करंट अफेयर के एमसीक्यूज है वो भी अपडेटेड मिलेंगे। नो आउटडेटेड नोट्स, नो आउटडेटेड मार्केट मटेरियल विल बी सोल्ड टू यू। जो आपकी सॉफ्ट कॉपी नोट्स की वो आपके लिए फ्री अवेलेबल होगी, हार्ड कॉपी अगर आप चाहें तो उसके लिए आपको स्पेशल जो उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है वो पे करनी पड़ेगी विद फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान, ठीक है। उसके अलावा जो आपका जो उससे नेक्स्ट जो आपके रिक्वायरमेंट है वो ये होगी कि आपके मंथली टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे, और we are not going to treat you that you all know many things as you are at least you have a master's degree in your background. What we will do is we will consider you that aapko english bilkul nahi aati, ho sakta hai aap mein se koi medical background ho uske tenses pe grip na ho, theek hai, current affair pe khair kisi ki bhi nahi hoti, wo jo mere paas aate hain wo sab barabar hote hain, maths hai, maths pe sabko problem hoti hai, when we were sitting at your place hame bhi isi tarah problem thi, theek hai, to what we are going to do is कि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लाइक इंग्लिश मैथ ये लोग आपको बेस से चलाएंगे। 2 सब्जेक्ट जो आपके मेरे साथ हैं, डाटा करंट अफेयर एंड जीके एंड इस्लामिक स्टडी, ठीक है, करंट अफेयर, जीके, इकोनॉमिक्स, ये सब जिनको आप नाम दें, एफबीआर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आएंगे ये डोमेन आपकी मेरे साथ होगी, जिसको हम कंप्लीट फ्रॉम द बेस, फ्रॉम वेल ऑर्गेनाइज्ड वे। देखिए मेरा आज भी मैं अपने सेमिनार में हर मैं ये बात तकरीबन कहता होता हूँ कि व्हेन आई वाज पोस्टेड ऑन माय फर्स्ट असाइनमेंट अंडर यूनाइटेड नेशन एट गवर्नमेंट ऑफ गाना अफ्रीका, तो हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो एक बात कहते थे, योर हाफ वर्क इज डन व्हेन यू ऑर्गेनाइज योर वर्क, सो वी विल ऑर्गेनाइज द वर्क फॉर यू, वी विल गिव यू वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल अप्रोच्ड वर्क, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज जो रोज का टारगेट है उसे कवर करना है, और इंशाल्लाह यू विल बी कैपेबल कि अगर आपने पहले कोई गवर्नमेंट एग्जाम दिया और आप 30-40 स्कोर के ऊपर फॉल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला with this preparation of 1.5 month you will fall around 80 inshallah aziz. ab aaiye ki aapke test ki detail kya hongi.
एज यू ऑल नो इट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमारे 100 मार्क्स के होंगे. इन 100 मार्क्स के साथ साथ हमें 3 आवर्स का टाइम अलाउ होगा. ठीक है, आपके जितने भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम है मोस्टली का सिलेबस सेम होता है. आप जो ये हमारे साथ कोर्स पढ़ने जा रहे हैं मंडे से जो आपकी क्लासेस होने शुरू हो रही हैं, इसमें आपका मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी हो जाएगी. जस्ट जिस तरह FBR या FI इनके जो स्पेसिफिक जॉब पोर्शन है वो आपको मिलेंगे, इसी तरह अगर को कल को और कोई ऐसी जॉब आती है तो आपको हमारे पास दोबारा उस सिर्फ एक पार्ट के लिए आना पड़ेगा. व्हेन यू आर ज्वाइनिंग अस अगेन, चाहे आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता या आप किसी और रवीन के लिए आ रहे हैं, तो आपकी कोई फीस नहीं होगी. यू आर जस्ट गोइंग टू पे योर एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन फी लाइक 1000 or 2000 जो भी होती है, एंड यू विल बी एनरोल्ड विद फ्री ऑफ ट्यूशन फी रवीन एंड इन्फोर्समेंट सेशन. उसके साथ साथ अगर आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कॉल होता है तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट. अदर देन दैट अगर आपका इंटरव्यू के लिए आप सेलेक्ट होते हैं तो इंशाल्लाह उसकी भी तमाम गाइडेंस आपको विदाउट एनी फी जॉन सी प्रोवाइड की जाएगी. सिलेबस ब्रेकअप जो एग्जाम का होता है, जो जनरल सिलेबस ब्रेकअप है, वो ये होता है जिसके अंदर आपका पाक अफेयर है जिसको पाकिस्तान स्टडी कहते हैं, उसके अलावा आपका इस्लामिक स्टडी है, EDS है, GK है, उर्दू है, IT है, मैथ्स है, एंड बिसाइड दिस आपका जो मेजर पार्ट है वो इंग्लिश का है. ठीक है, इंग्लिश का जो आपका पार्ट है उसके अंदर डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर वो 30 मार्क्स में भी दे देता होता है. वो इसलिए यहाँ मेंशन नहीं किया, जिस तरह तहसीलदार वगैरह कर रहा है वो 100 मार्क्स की भी इंग्लिश दे देता होता है. तो जितना भी आपकी सिलेबस रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम अपने इंग्लिश की प्रेपरेशन को मजीद स्ट्रेंथन करेंगे. हमारी मेथडोलॉजी जिस तरह की मैंने आपको बताया है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी इस एग्जाम को क्लियर करने की मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए. आर मेथडोलॉजी विल बी कॉन्सेप्चुअल प्रेपरेशन. ठीक है, और प्रिपरेशन फ्रॉम द बेस. ठीक है, कॉन्सेप्चुअल प्रेपरेशन मीन वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट रटलाइज यू. हम कह जी यहाँ से यहाँ तक रट्टा लगाना कल सुन लेंगे, नहीं. हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे वी विल प्रोवाइड ऑल द मोस्ट एमिनेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs इन द क्लास के बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया था, ये अभी रिसेंट पेपर में आया, ये अब आगे आने के चांस है, और उसकी तमाम डायमेंशन भी आपसे डिस्कस करेंगे. उसकी बेस पे ये होगा कि जब आप पेपर में बैठेंगे इंशाल्लाह आपके लिए अनफॉरसीन कोई चीज नहीं होगी और सब चीजें वो होंगी जो हम क्लास में डिस्कस कर चुके होंगे. ठीक है, उसके बाद इस कॉन्सेप्चुअल अप्रोच का फायदा क्या होता है. जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करता है वो आउटडेटेड मार्केट बुक्स लेता है. आउटडेटेड मार्केट बुक्स लेने के बाद उन्हें रटा लगाने की कोशिश करता है और ह्यूमन मेमोरी इस चीज की कायल नहीं है कि वो एक टाइम में लाइक से कोई 50,000 or 60,000 MCQs मेमोराइज कर ले इन 2-3-4 months. इम्पॉसिबल. बट आपको पता है कि जो लर्निंग है, लर्निंग होती है 3-dimensional अप्रोच से जिसको पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है. आज हम लोग जब इंटरनेशनली इनरोल्ड है वेरियस प्रोग्राम में रिटर्न सर्विस के बाद, तब हमें पता चला कि हमारे पाकिस्तानी स्टैंडर्ड में वो तीनों चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि गोरा उन 3 चीजों को फॉलो करता है. डैट इज रीडिंग, रीडिंग के बाद उसकी रिवीजन, और रिवीजन के बाद उसकी प्रैक्टिस. हम क्या करते हैं, रीडिंग रीडिंग रीडिंग. ठीक है, जब होता क्या है कि आप रिवीजन में हमारे पास आते हैं, हम आपसे इन चीजों को सुनते हैं, आप लिसन करते हैं, उसके बाद रीड करते हैं, उसके बाद जब उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्वियसली वो चीजें आपके दिमाग में जाना शुरू हो जाती हैं. व्हाट एक्चुअली रिक्वायर्ड फ्रॉम यू फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन इज जस्ट जो भी आपको डाटा प्रोवाइड किया जाए, रीड इट थ्राइस और 4 or 5 times. आपने उस डाटा को थॉरली पढ़ना है. उसके बाद आपके वीकली टेस्ट होंगे, मंथली टेस्ट होंगे. इंशाल्लाह क्लास में हमारी एक हेल्दी इन्वायरमेंट होता है जिसमें एक एक्टिव डिस्कशन रहती है, वो आपको इंशाल्लाह लजीज इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड कर देंगे और आपके लिए कोई चीज भी न्यू नहीं होगी. फिर क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा ऑनलाइन स्टार्ट करने का मकसद रादर देन अ बिजनेस डील, इट्स जस्ट टू फैसिलिटेट आवर स्टूडेंट्स. जिस तरह कोविड के दौर में हर बंदा ही जान से वो डिप्रेस है, सो आपका 40% ऑनलाइन पे ऑफ भी है. उसके साथ साथ we will try our level best to provide you environment just as a physical in campus में जो होता है. उसके लिए आपको recordings provide की जाएंगी, आपको notes on उधर provide की जाएंगे, आपके साथ academic coordinator attach होंगी जो आपसे continuously in contact होंगी. आपको कोई मिस मतूल आपके साथ अभी भी जिन्होंने आपको लिंक भेजा है, कोई प्रॉब्लम होगी आप मिस मतूल से रब्ता करेंगे. वी योर ऑल फैकल्टी मेंबर विल ऑल्सो प्रेजेंट इन द ग्रुप जो आपका PPSC, FPSC, CSS जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब में हम लोग मौजूद होते हैं.